साउंड एक सेवन एक्शन। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। कोई इतनी असल में एक्साइटमेंट नहीं है, आई रेड इट फॉर द ब्लॉग। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। ब्लॉग अपनी एनर्जी नहीं, प्लीज़ बाकियों की तो ना ख़राब करो। अभी मैं सो के उठी हूँ और इट्स अ वेरी नेचुरल ब्लॉग। अभी मैं सो के उठी हूँ, अब मैं जाऊँगी नीचे नाश्ता करने और देखूँगी मासी नहीं आई है। लेट्स सी कि कोई बटन है जो मामा की हेल्प करनी है। लेट्स सी, चलते हैं। ईदी की तरह मामा बकरा ईद होती है, थोड़ी सी ईदी भी होती है। ये रहा डस्टिंग का कपड़ा। तो मामा ने जो है ना हमें आज का जो टास्क दिया है ईद के दिन, वो है यहाँ की डस्टिंग। किसने आके देखना है कि मामा का घर का ये कोना जो है इसमें मिट्टी है। हमें बहुत लग रही है। खैर अब डस्टिंग वगैरह सारी हो चुकी है, मामा को मैंने तसल्ली से डस्टिंग करके दे दिया। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है ईद के कपड़े इस्त्री करना। आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट नो कि मुझे ये माइनर डिटेल्स डालनी चाहिए या नहीं, बट आई वांट टू शो यू गाइस समथिंग। सी अभी ये मेरा नया पजामा है, ठीक है, और ये जेली किस्म का पजामा, और अभी मैं इस पर इस्त्री कर रही थी और मुझे अब पता चला कि दर्जी ने इस पर छोटू सा ये लगा दिया। अब ये अगर इस पर कुछ भी लगेगा तो ये फट जाएगा। एंड आई मेरा नया सूट जो है ना, वो माशाल्लाह से उस पर ये किया, और ऊपर से ये 10 बार मैं इस पर इस्त्री कर चुकी हूँ, ये अब तक इस्त्री नहीं हो पा रहा। ओके, सो कपड़े प्रेस हो गए हैं, बट क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी ईद की, तो अब मुझे ईद के जूते डिसाइड करने हैं और मुझे ज्वेलरी डिसाइड करनी है। तो लेट्स सी के सिल्वर कलर के उससे मैचिंग कौन सा शूज़ होंगे। सो फाइनली मुझे बगैर ढूंढे ही मिल गए हैं, एंड यू कैन सी द ऑब्सेशन विद शूज़ इज रियल। ओके, सो अब हम ये एग्जैक्ट मैच हो जाएंगे आई गेस। चलो ये तो डन हो गया। आई एम सॉरी इस पार्ट में आपको सिर्फ मेरी चक 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 ही सुनाई देगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे यहाँ लाहौर में ईद पे करने को कुछ भी नहीं है। सो आपको बस मैं मिलूँगी या मेरी दो अदद बहनें मिलेंगी कुछ ना कुछ करते हुए, मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास करने को। और लिटरली इस टाइम पे आई रियली लाइक कह सकते हैं कि वो होता है ना एक होता है कि एक बड़ी फैमिली हो, दावत हो, बंदा वहाँ जाए, तो हमारा कुछ ऐसा सीन नहीं है और शुरू से ऐसा कोई सीन नहीं रहा। तो अब जाके थोड़ा सा होता है कि यार काश हमारी कोई बड़ी फैमिली होती दावत वगैरह। बुलाएगा क्या? हाँ हम थोड़ा इमोशनल हो गए। चले हम डिसाइड करते हैं ज्वेलरी से, पहले मैं रोना शुरू हो जाऊँ। अब मैं फाइनली सारे काम के बाद जा रही हूँ तैयार होने, और ये है मेरी ट्रांजिशन। ईद मुबारक फाइनली। सो अब जो है अब हो गया प्रॉपर ईद, अब मैं हो गई हूँ प्रॉपर तैयार। डोंट ब्लॉग बन रहा है, खैर मुबारक। गलती से भी पीछे से मैं आई ना चांद, तो मैं रिपोर्ट कर देना। नहीं आ रहा कोई भी। सो दिस इज मी न्यू परफ्यूम, स्ट्रॉबेरी मिक्स ऑरेंज मिक्स। नो इट्स नहीं, फ्रूटी नहीं है। ओ वो जो कल देख रही थी। ओके हां, क्यों बुराई कर रही थी? या यार मां को सब बता। कैन यू प्लीज स्टॉप, आई एम हैविंग माय मोमेंट। मेरे झुमके पहने हैं। अब मैंने गिफ्ट किए थे, लाइक मैं जब भी जाती हूं ना कहीं मैं राहीन के लिए लेके आती हूं, मुझे पहननी थी। ओके तो अब मैं आप लोगों को फुल आउटफिट दिखाती हूँ, पिक्चर्स लेती हूँ, और अगर आप लोगों ने मेरी खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखी है तो टिकटॉक पे जाएं। टिकटॉक अच्छा। मेरे सामने जो है ना इस वक्त नहीं होती, मेरे सामने इस वक्त बकरा धो रहे हैं और उसको ज़िबा कर दिया है। ये नज़ारे मेरे सामने हैं, हमें नहीं पता हमारा कब आएगा, हमारा वाला कब आएगा, हमने कहीं रखवाया हुआ है और पता नहीं कब आएगा। खैर और
और अब क्या होगा मुझे नहीं पता, बस मेरी यही थी तैयार होना था, हो गए। ओके, मुझे वैसे ये करना नहीं था बट क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है और हम ईद पे कहीं जा नहीं रहे, हेलो, और हम ईद पे कहीं जा नहीं रहे तो यही मेरे पास कंटेंट है, तो देख लें जी। ये है मेरा एंड मैं मुंह बंद करके आपको क्योंकि आप लोग मेरी शक्ल देख देख के थक गए होंगे, इसलिए हमने एक नया पीस मंगवाया है जिसके जिसको आप देख सकते हैं, आप देखें, अब आप बोर नहीं होंगे। देखिए इतने प्यारे से हमने आपको कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है अपने व्लॉग में। अब हम जो है पिक्चर्स लेंगे और क्या करेंगे, बस हाँ यस। ओके गाइस, तो अब है हमारा खाने का टाइम एंड मामा ने बनाया है बड़ा ज़बरदस्त सा जी। क्या बनाया है मामा ने बनाया बड़ा ज़बरदस्त सा खाना जिसको हम खाएंगे। ओके तो अब हमारा है खाने का टाइम और इस पूरे ब्लॉग में आप सिर्फ मेरी शक्ल देखेंगे, मैं क्योंकि एक जो है वो तैयार नहीं हो रही, एक तैयार हुई नहीं है, सो इट्स जस्ट मी। और बाकी हम आपसे मिलते हैं खाने के बाद। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्लॉग को कंटिन्यू रखा जाए या एंड किया जाए, और इस वक्त तक बस हो चुकी है, बिला वजह कपड़े पहन के तैयार हो गई है, ना राहीन तैयार हो गया, ना मना तैयार हो गया, और यूं ही हमारा डे वन जो है वो वेस्ट हो गया है। एंड आई होप जो है डे टू अच्छा गुजरे, और माय गॉड मैं नाक भी चमक रही है, और यही कि अपने आस पास घर के आगे गंद ना डालें, खुदा का वास्ता इतना गंद आगे डाला हुआ उन्होंने अपने घर के आगे, बीमारियाँ फैलती हैं इससे और जिन आते हैं, सो ना गंदगी नहीं फैलाएं, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कल परसों तरसों अगले ब्लॉग, तो बाय बाय, लास्ट।